ओके तो आज हम लीट फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डे या लीट फूड की तरफ, तो बिफोर दैट कोई मुझे बताना चाहेगा कि हमने कोई रीकैप देना चाहेगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एरे से रिलेटेड। जी जी जरूर। हमने कल पढ़ा था अरेज क्या होते हैं और हम अरेज को यूज क्यों करते हैं और अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, और अरेज कैपेसिटी वर्सेस अरेज लेंथ पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अरेज पढ़े थे जिसमें उसकी 3 टाइप्स थी, 1D अरे, 2D और 3D अरे, और उसके बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे अरेज के, ट्रैवर्स इंसर्शन डिलीशन सर्च और अपडेट का ऑपरेशन। ओके ओके एक्सीलेंट वेरी गुड। हाँ हमने ये सब कुछ कवर किया था और आई होप आप लोगों ने इसको रिवाइज भी किया होगा। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी अरेज की, तो आज हम इंशाल्लाह अरेज का ही एक एक या दो प्रॉब्लम्स हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की लीट कोड के ऊपर। अच्छा बिफोर दैट अगेन मेरा एक क्वेश्चन है वो लोग जो यहाँ पे नए हैं। अच्छा मैंने एक आपको रिकमेंड किया था कि आपने डॉक्टर जफर की 4 करियर काउंसलिंग टॉक सुन ली। सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी लिसनड इट? कम अज कम एक टॉक किसी ने सुनी हो। दे कैन रेज योर हैंड। अच्छा तो मैं सिर्फ अभी तक 3 लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ये मैं क्यों बार बार कहता हूँ, इसकी क्या वजह है कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपको सुना टॉक? अच्छा उसमें ना आपको, अगर आप सुनेंगे ना, आप एक भी टॉक सुनते हैं आपको आइडिया होगा कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, और फिर उसमें लीट कोड की कितनी इम्पोर्टेंस है, जो कि इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो वो आपके लिए इतना ज़रूरी है समझना कि लीट कोड के बगैर, DSA के बगैर आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। कहीं भी आप जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब भी आप किसी अच्छी जगह पे जाना चाहेंगे आपको लीट कोड की जरूरत पड़ेगी, आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है तो आई वुड हाईली रिकमेंड, जिन्होंने सुना है दैट इज वेरी गुड, कोशिश करें 4 की 4 पूरी टॉक सुने, आपको आपका करियर जो रोड मैप है वो भी समझ आ जाएगी। और उसके अलावा जो जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी जरूर सुने। ठीक है एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज आप स्लैक के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं और हम भी यहाँ पे इंशाल्लाह टैकल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, ओके ठीक है। अच्छा आप में से वो कौन से लोग हैं जिनको लीट कोड का, लीट कोड क्या है, कोई आइडिया है किसी को, लीट कोड है क्या, वो बताना चाहेगा कि लीट कोड वेबसाइट पे है क्या? प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे गूगल वगैरह में अगर इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर इधर से पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये देखें, जब आप लीट कोड की वेबसाइट ओपन करेंगे ना, और जब आप प्रॉब्लम्स में आते हैं यहाँ पे, ठीक है तो लीट कोड की वेबसाइट पे आए, प्रॉब्लम ओपन करें। अच्छा मैं ना पहले उस प्रॉब्लम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट लिंक। ठीक है इट्स ओके। सो अच्छा अब ये जो लीड कोड है, बेसिकली जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पर ना जो दुनिया की सबसे बड़ी हाईटेक कंपनीज है ना, उनके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं और उनकी प्रिपरेशन, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है सारी। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, आप देखेंगे जब आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे ना, यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो यहाँ पर एक तो रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यू कैन फॉलो दिस एज वेल। ठीक है अगर आप रैंडमली चलना चाह रहे हैं तो आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एज ए बिगिनर हम तो अभी चलेंगे ना, हम डेटा स्ट्रक्चर के उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होंगे। तो आप देखें आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेशुमार क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, और साइड पे जब आप देखेंगे यहाँ पर तो
इस जगह पे ये देखें, ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसमें मजे की बात क्या है कि आप यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ, लेट से आप चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ इजी चाहिए, आप डिफिकल्टी में जाएं, इजी क्वेश्चंस चूज करें, ठीक है। अगर आप रेंडमली नहीं करना चाह रहे, आप टैग्स में जाएं, यहाँ देखिए एरेज के क्वेश्चन, आप इन्हें अलग से फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो सारे एरेज के आ जाएंगे। स्ट्रिंग करेंगे, सारे स्ट्रिंग के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी आपको टाइप्स नजर आ रही हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो सारे आपको यहाँ पे यू कैन जस्ट फॉलो दैट एज वेल। और इसके अलावा ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर ना लीड कोड 75 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखें, ये देखें, अब ये वाली आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं एज ए बिगिनर, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे ना एरेज से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। देखें एरेज स्ट्रिंग, मैंने इसको पर्टिकुलरली फॉलो नहीं था किया, तो आप इसको चाहें तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एरेज, देन यू गेट 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसको भी एज ए स्टार्टर इस लिस्ट से भी शुरू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन के लीड कोड है क्या है। लीड कोड ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और एटलीस्ट 200 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने ज़रूर इसमें सॉल्व करने हैं। यानी इट विल टेक टाइम, लेकिन आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ओके, सो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं इसको, ये एरेज से रिलेटेड है क्योंकि हम ऑलरेडी एरे को उसकी कुछ बेसिक्स कर चुके हैं। तो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर सम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ गुड पेयर्स। अच्छा, गुड पेयर्स क्या होते हैं? अ पेयर आई जे इज कॉल्ड गुड इफ नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे एंड, यानी अगर तो नम्स आई इक्वल्स हैं, इक्वल है नम्स जे के, एंड आई जो है वो जे से लेसर है, तो फिर वो क्या होगा? एक गुड पेयर बनेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे आउटपुट 4 आ रहा है। तो इनपुट आपके पास एक रे गिवन है जो स्टोर्ड है नम्स के नाम से, यहाँ पे नम्स वेरिएबल के नाम से, ठीक है। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, देयर आर 4 गुड पेयर्स, 0 3 0 4, 3 4 2 5, ठीक है, एंड 0 इंडेक्स। अच्छा, ये उन्होंने आपको हिंट भी दे दिए, यहाँ पे इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, ठीक है। तो हमेशा याद, जैसे हमने कल पढ़ा था कि आपका हमेशा जो इंडेक्स होता है एरेज के अंदर, वो कहाँ से शुरू हो रहा होता है? 0 से शुरू होता है। सो यू कैन कॉल दिस लिस्ट एज वेल एरे, आप उसको कहें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, अप्रोच एक ही जैसी होती है। तो अब देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं 0 3, ये 0 3 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। यानी 0 इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 1, और 3 इंडेक्स जब इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पे भी क्या पड़ा हुआ है? 1। इसका मतलब ये दोनों जो नम्स आई है, लेट से अगर ये आई है और ये जे है, तो ये दोनों इक्वल होगा ना, ठीक है। और ये भी देखें, चलिए हम इसको ना विजुलाइज करके देखते हैं। ये तो आइडिया हो गया कि आपके नंबर्स जो हैं गुड पेयर, वो है कि आपके जो आई और जे हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो फिर वो क्या होता है? एक गुड पेयर बनता है। अच्छा, और ये एक गुड पेयर हो गया, एक गुड पेयर ये भी हो सकता है 1, एंड देन अगेन देयर इज 1, ठीक है। तो आइडेंटिकल, बेसिकली जो आइडेंटिकल पेयर्स हैं आप, हमने वो बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ वो कह रहे हैं हमारे पास इसमें, इस एरे में हमारे पास 4 आइडेंटिकल पेयर्स हैं। अच्छा, अब हम इसको कोशिश करते हैं विजुलाइज करने की कि ये 4 कैसे बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर। सर आई आई यानी कि फर्स्ट ठीक लेटर का होगा है ना, और जो इससे मिलता जुलता है, होगा बिल्कुल वो यानी कि गुड पेयर्स होंगे, ठीक है ना। ये दोनों गुड पेयर्स होंगे यानी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक कि जे उसे कहेंगे। है। तो यानी हाँ, अब देखें, अब अगर एक मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ऊपर से नहीं जा रहे, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये करता हूँ,
एक यहाँ पर ना मैं आई रख लेता हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज आई, और फिर एक जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उसको जे कह देता हूँ। अच्छा अब कोई मुझे बताएगा मैं जे यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहा हूँ, मैंने जे यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया? क्वेश्चन को रीड करते हुए आपके सामने क्वेश्चन है, सही, यानी कि आई मैच तो आई यानी हम कि तो ऑलमोस्ट क्लियर हो तो, जाएगा ना। क्योंकि ये कंडीशन है कि जे जो है हाँ वो एक ग्रेटर देन क्वेश्चन होना में चाहिए आई से। एग्जैक्टली तो जे जो है वो हमेशा आई से ग्रेटर रहना चाहिए, वो आई के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, हम वो उसे एक कम अज कम एक जो है उसे आगे से शुरू हो रहा होगा जे, ठीक है। अब हम देखते जाते हैं, अब देखिए क्या आई और जे यानी आई लेट्स से आई इस टाइम 0 है इंडेक्स, ठीक है, और जे आपके पास क्या है 0+1, राइट, क्योंकि वो एक उसे आगे से शुरू हो रहा है। अच्छा अगर इस तो दे इसको देखते जाएं तो मुझे बताइए क्या आई और जे इस टाइम आइडेंटिकल है दोनों एलिमेंट्स जो पड़े हो नो सर, दोनों नो के सर, इंडेक्सेस पर? नो नहीं सर, है, डर सर। देख तो नो स्टूडेंट ने शायद लेट ज्वाइन किया है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर दें, आप अगर रिपीट कर दें। ओके ओके मैं कर देता हूँ। अच्छा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि आपके पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है जिसका नाम है नम्स, ठीक है, और वो हमसे कह रहे हैं कि रिटर्न करें नंबर ऑफ गुड पेयर्स। अच्छा ये गुड पेयर्स को नीचे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि गुड पेयर क्या होता है। अ पेयर आई जे इज कॉल्ड गुड, वो पेयर गुड कहलाएगा अगर नम्स ऑफ आई बराबर है नम्स ऑफ जे के, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो जो पेयर है वो गुड पेयर होगा। अच्छा उसके साथ एक और भी है कि आई जो है वो लेसर रहेगा जे से। अच्छा ये अगर लेसर इक्वल होता ना, यानी लेसर देन लेसर एंड इक्वल देन होता, तो फिर ये हम इसको जे और आई इकट्ठे भी रख सकते थे क्योंकि उसमें इक्वल्स भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लेसर कहा है, ठीक है, या स्मॉलर कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जे हमेशा आई से कम अज कम एक जो है वो बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा उसे, ठीक है। तो अब हमने एग्जाम्पल देखी, हमने कहा जी हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2, 3, 1, 1 एंड 3, ठीक है, तो एज पर ये जो हमारे पास गुड पेयर के हैं ना कि आपका नम्स आई नम्स जे के बराबर होगा तो वो एक गुड पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने आउटपुट दे दिए 4, लेकिन ये 4 कैसे आ रहा है एक्सप्लेन कर रहे हैं, देर आर 4 गुड पेयर, 0, 3, 0, 4, 3, 4, 2, 5। अच्छा ये आपके पास बेसिकली 4 वो गुड पेयर्स हैं जो क्या नाम है आपके पास गुड पेयर्स कहला रहे हैं यहाँ पे बेसिकली इस एरे के अंदर से, ठीक है। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये 0, 3 क्या है, 0, 4 क्या है, ये 0 और 3 ये इंडेक्सेस हैं। इस टाइम आई क्या था आपके पास 0 और 3 क्या है आपके पास जे का इंडेक्स, ठीक है, तो यानी आईथ इंडेक्स जो आपके पास है वो इस टाइम 0 था, 0 पे क्या पड़ा हुआ 1, और 3 पे क्या पड़ा हुआ यानी थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 0, 1, 2 एंड 3, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है 1, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, 1 और 1 आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक गुड पेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएं, फिर से आप एक आई आपके पास है, अभी हम आई को नहीं देखे क्योंकि हम हर एक जो एलिमेंट है उसके साथ बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कितने गुड पेयर्स बन रहे हैं। आप दोबारा से हम आई को देखते हैं जी, वो तो 1 है, ठीक है, यानी 0 और 4 है आपके पास, तो 0th इंडेक्स पे आपके पास 1 है, और 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ दोबारा से 1, ये वाला, तो फिर से आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब इस टाइम जो आपका काउंट है यानी 2 आपको मिल गए गुड पेयर्स, कम से कम 2 गुड पेयर्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसी को हम ना विजुअलाइज करने की कोशिश करने लगे थे वहां पे ना, ये एक ऐप है एक्सकेलिट्रो, और ये बड़ी अच्छी ऐप है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये वेबसाइट भी है इसकी, ठीक है, यू कैन नोट दिस डाउन। इस पे आप खुद भी अपने यानी आप सॉल्यूशंस को ना जब आप फाइंड कर रहे हो लीड कोड सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आके आप उसको कर सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई लॉजिक जो है कैसे बिल्ड होती है, ठीक है। सर ये नजर वेबसाइट नजर तो नहीं आ रही। ये आपको नजर नहीं आ रहा पेज, नम्स और एक एरे मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये तो नजर आ रहा है, लिंक नजर नहीं आ रहा है, कौन सा है?
अच्छा ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, एक्स कैरी ड्रॉ, अगर आप कॉर्नर पे देखे ना यहाँ पे, तो इसका नेम है एक्स कैरी ड्रॉ। ठीक है, आप ओके इसको गूगल करेंगे तो याद आएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन है। जी, हमने पहली बात तो ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर टू लूप्स लगने हैं या वन लूप लगना है, और दूसरी बात ये है कि अगर लूप लगने हैं दो तो उसके अंदर आई को जे से डिफरेंट हमने क्यों रखा है, 0 0 से हमने क्यों स्टार्ट किया। हाँ ये देखें, आपके पास ना इस क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि नम्स आई वो इक्वल होने चाहिए नम्स जे के। अच्छा, कल हमने एक चीज देखी थी, याद, अगर किसी को याद हो कोई मुझे बताना चाहिए, हमने जब रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नम्स 0, नम्स 1, नम्स 2, व्हाट वाज दैट, वो क्या था जो हम पढ़ रहे थे, वो 0 1 2 क्या थे सर? इंडेक्स। इंडेक्सेस, एग्जैक्टली, तो इंडेक्सेस आई, जब आप कहते हैं ना कि इस एरे का आईथ इंडेक्स, ये जो आईथ इंडेक्स यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये आई जो है ये क्या होगा, इस टाइम आपके पास 0 से शुरू हो रहा होगा। उसके अलावा उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जी कि आई हमेशा जे से कम रहना चाहिए, यानी जे आपके पास उसे कम अज कम एक जो है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जे जो है वो 0 से शुरू नहीं हो सकता, वो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो इसलिए आपका वो जो टेस्ट केस है यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की कंडीशंस को, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिए, एक तो आपके पास आई इंडेक्स होगा, एक आई ट्रेवर्स करेगा, और फिर एक जे भी होगा इसी एरे के ऊपर, एक जे भी ट्रेवर्स हो रहा होगा, तो ये आपके पास क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर 2 लूप्स लग रहे हैं, यानी अगर आप ब्रूट फोर्स की बात करें। ठीक है, इसके हो सकता है मल्टीपल सोल्यूशन भी हो, लेकिन जो फॉरन से क्लिक करना चाहिए तो आप ये क्या करेंगे, इसके पास आई का, आई एक अलग लूप लग जाएगा और जे का एक अलग लूप उसके ऊपर लगेगा, और फिर हम देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम यही चीज यहाँ पे करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, थैंक अब यू। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आई जो है वो 1 पे प्लेस कर दिए, जी जी यू वेलकम, और जे जो है मैंने जे यहाँ पे नहीं प्लेस किया, नॉर्मली यहाँ से प्लेस होना चाहिए था क्योंकि वो भी एक लूप है, वो अलग से चल सकता, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी कि आई हमेशा जे से लेसर रहेगा, इसका मतलब जे उससे ग्रेटर है, तो जे उससे कम अज कम एक से आगे शुरू होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, हमने ये देखा कि आई इंडेक्स के ऊपर, इस टाइम 0 इंडेक्स, विच इज आई इज इक्वल टू 0, तो आई के ऊपर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास 1 है। ठीक है, जे पे क्या पड़ा हुआ है, 2, तो क्या ये आइडेंटिकल है ये दोनों पेयर, क्या नम्स आई इक्वल्स टू नम्स जे हो रहा है, इस टाइम कंडीशन फुलफिल हो रही है, नो सर, नो, नो सर। यस एग्जैक्ट, नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं जे को एक ट्रेवर्स करवा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको नहीं मिला, अभी तक आपको नहीं मिला ना, दोबारा से। एक्सक्यूज मी जी सर, जी योर एक्सक्यूज, सॉरी सर, आई एम कंटिन्यू। सर मुझे ये दो क्यूरीज हैं, वो रिजॉल्व कर दीजिएगा। सर अगर आई और जे किसी भी क्वेश्चन में आगे भी प्रॉब्लम में देते हैं, तो हमें अगर आई और जे को मेंशन किया जा रहा है एज अलग अलग उसमें, तो ये सर तो इनको इनको मैंडेटरी है कि दो लूप्स के जरिए ही हम अपना टारगेट गेट करेंगे। नो नो, और दूसरी नहीं चीज़, नहीं और मैं आपको इससे नहीं पहले बता देता सर, हूँ कि जी, इसका ये जरूरी नहीं है। ये होता है कि आपने ना, आप एक सोल्यूशन तो लिख सकते हैं इस तरह से, यानी आप कहें तो आप, लेकिन इसकी मल्टीपल अप्रोच भी होती है, ये होता है, आप प्रैक्टिस के साथ साथ ना आपको समझ आती है कि इसकी मल्टीपल अप्रोचेज भी हो सकती हैं, और कुछ कुछ यानी ज़्यादा अच्छी अप्रोचेज हो सकती हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट है, मेमोरी एफिशिएंट है, स्पेस एफिशिएंट है। ठीक है, बट फॉर द बिगिनर लेवल आपको इस फॉरन समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आई और जे की बात हो रही है, तो यू कैन इवन गो फिर लाइक नेस्टेड लूप से आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड ओके सेकंड क्वेश्चन, जी। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे तो मीन कहा जा रहा है कि जे जो है इससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर पे हम ग्रेटर वैल्यू पे भी पे ही हम रखेंगे, लेकिन क्या ऐसे जिस कंफर्मेशन के आगे क्या ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग तो कर चुके हैं, तो आप लोग ने क्या ऐसा कोई क्वेश्चन फेस किया है जिसमें ये कंडीशन ना दी गई हो कि जे इससे ग्रेटर है? तो अगर जे से ग्रेटर नहीं है, अगर ऐसा होता है कि जे को आई से ग्रेटर नहीं कहा जाता क्वेश्चन में, तो क्या हम इन इसको सेम पोजीशन से शुरू कर सकते हैं लाइक आई? हाँ देखिए, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी बात की ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड यू ऑल शुड राइट इट डाउन,
आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत अच्छे लीड कोड करते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फॉरेन स्टाफ को समझ नहीं आते, तो उसके लिए फिर उनकी जो सैंपल्स है ना, आप उनको उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उनको वहां से समझ आ रही है तो फिर आप दोबारा से क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, या आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आ रही फिर उसमें देखें कुछ कंडीशंस तो नहीं है मजीद। ठीक है सर, टेक टाइम, टाइम के साथ आपको समझ आ जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो अच्छा अब देखें, अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पे है जी आई, हम दोबारा कंपेयर कर रहे हैं जे के साथ। क्या आई और जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं क्या वो अब आइडेंटिकल है? अभी भी नहीं है, राइट? तो इससे फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से आई को ट्रिवर्स कर रहे हैं आगे। ठीक, तो अब देखें, अब क्या जे और आई के जो इंडेक्सेस हैं उन पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो इक्वल है, वो आइडेंटिकल है? यस। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अपना जो एक काउंट का वेरिएबल बनाएंगे ना, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय वन, यानी उसमें एक जो है आपको पेयर मिल गया आइडेंटिकल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखें, अभी आपको मिल गया जी 0 और 3, यानी ये बेसिकली आपको शो हो रहा है जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, यानी 1 एंड 1, ठीक है, यानी 1 और 1 आपको एक पेयर मिल गया। ये कौन से इंडेक्सेस पे, व्हेन आई 0 एंड जे इज 3। ठीक है, तो उस टाइम आपको एक एक पेयर आपको मिल गया इसका 1 में। ओके, अब दोबारा देखें जे को फिर से ट्रिवर्स करें, आप देखें दोबारा एक पेयर मिल गया आपको, तो इसी के आगे लिख लेते हैं। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पर 0, इस दफा आगे 4 है, जे की जो जे इंड जो जे इंडेक्स है वो आपके पास क्या है, 4, एंड देन अगेन यू गेट 1 एंड 1। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, अब दोबारा से देखें जे को अगर मैं करता हूँ ना रिवर्स, ये पेयर नहीं बनेगा आपके पास क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है। फाइन, यहाँ तक तो क्लियर आई थिंक सबको कि आइडेंटिकल पेयर हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा दोबारा, अब जब ये एक एक आपके पास लूप कंप्लीट हो गया जे का, अब आप क्या करते हैं, जो आपके पास आई का लूप चल रहा है ना उसमें आप उसका एक इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी वो एक ट्रिवर्स हो रहा है आगे। ठीक है, तो जे क्योंकि हमेशा 1+ रहेगा, एक आई से आगे ही रहेगा, तो दोबारा से जो जे का लूप होगा वो 3 से शुरू हो जाएगा। अब ये नंबर हम चेक नहीं कर रहे, ये एलिमेंट नहीं चेक हो रहा अब हमारा। ठीक है, अब हम 2 के लिए ये सारे नंबर चेक कर रहे होंगे, क्या हमें कोई पेयर मिल रहा है, तो यू कैन जस्ट सी कि कोई पेयर नहीं मिलता। ठीक है, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जे को यहाँ पे रखते हैं तो आई को एक और आगे ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक आपने लूप एक और चलाया था और वापस दोबारा यहाँ पे आ गए। अच्छा अब देखें, अब आई थ्री सर, है जी, योर एक्सक्यूज। अच्छा ये जब आप आई को एक स्टेप आगे शिफ्ट करेंगे तो जे ऑटोमेटिकली एक स्टेप खुद ही चला जाएगा? जी जी बिल्कुल, उसकी वजह क्या है कि हम जे का लूप शुरू ही आई के आई में एक ऐड करके शुरू कर रहे होंगे जो उसकी रेंज होगी, क्योंकि हमें ये ओके बता दैट्स दिया गया है कि आपका जे को हमेशा ग्रेटर रहेगा आई से, राइट? ओके, तो अब देखें दोबारा से, अब ये आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ भी आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर आपको दोबारा से आइडेंटिकल मिल गया, तो इसका मतलब आपको थर्ड पेयर आपका मिल गया यहाँ पर, एंड यू कैन जस्ट एड इट ऑन यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा, इससे आई की जो आई इंडेक्स है वो क्या है, 0, 1 एंड 2, और जे इंडेक्स क्या है, 3, 4 एंड 5। सो 2 एंड 5 यहाँ पर अगर नीचे लिखो ना, तो 2, 5 इंडेक्स पे आपको क्या मिल जाएगा, 3, 3 का पेयर। सो यू गेट 3 पेयर, अभी तक आपके पास काउंट कितने हो जाएंगे, 3 पेयर आ जाएंगे, 3 गुड पेयर्स। ठीक है, और फिर दोबारा जब आए दोबारा से अपना लूप आगे रन करता है, अब देखें अब जे आपका स्टार्ट ही उसकी 1+ से होगा, आगे से होगा, तो आपको एक और पेयर फॉरन से मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, यानी आपके पास जो आउटपुट है इसका काउंट का, जो नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, राइट? 1, 2, 3 का जो 3, 3 पेयर है, और फिर दोबारा से 1, 1 के पेयर जो आ रहे हैं, राइट? तो ये है बेसिकली हमारा जो लॉजिक है जिसपे हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर, नो ओके ओके, तो हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश ये भी करते हैं कि कोड को समझें कि कोड का जो सिंटेक्स होता है
वो भी उसके यानी कैसे होता है, आपको समझना कैसे होता है इसको। तो देखें अब हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, आउटपुट में यू गेट 4 वैल्यू। तो इसका मतलब हम एक वेरिएबल बना सकते हैं कि जिसमें हमने नंबर ऑफ जो गुड पेयर्स हैं उनको आउटपुट में शो करना, उसको रिटर्न करना, राइट? आपको वो रिटर्न चाहिए। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक काउंट का वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है? यानी इस टाइम आपका काउंट क्या है, 0, और वो एक वेरिएबल आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है? अच्छा अब नेक्स्ट क्या है जी, कोई मुझे बताएगा नेक्स्ट मैं क्या करूँगा इसमें जो हमने लॉजिक डिस्कस किया? लूप्स सर, लूप सर, लूप स्टार्ट करेंगे। लूप, आई का लूप। हाँ एग्जैक्ट, ठीक है। तो कौन सा लूप लगेगा यहाँ पे, एनीवन तो मुझे बताएगा? नेस्टेड लूप, पाइथन का फॉर लूप सर, फॉर लूप्स, फॉर फॉर लूप लूप, सर, फॉर, ओके फॉर ओके। लूप, तो फॉर, फॉर आई, अच्छा पहला जो फॉर फर्स्ट लूप आई, है, ठीक है, फॉर आई रेंज एंड इसे लेंथ नम्स -1। अच्छा मैं इसे आगे नहीं जा रहा, मुझे पहले ये बताइए कि ये रेंज, तो ये रेंज फंक्शन होता है, ये क्या करता है? एनीवन सर इसको रेंज आइडिया फंक्शन हो? ये पूरी लिस्ट को ये आइट्रेट करता है, पूरी लिस्ट को चेक करने में मदद देता है, पूरी लिस्ट चेक करता है रेंज, मतलब ठीक है, वो ठीक है। अच्छा ये रेंज चलता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये पूरी लिस्ट को चेक, आपके पास लेट से ये एरिया है, लिस्ट है, तो ये पूरी को चेक करे। लेकिन एक चीज जो ख्याल रखना है, रेंज जो होता है ये हमेशा इंडेक्स को चेक कर रहा होता है, जो रेंज आपके पास होती है, सर, यस यू आर राइट। ठीक है? अच्छा अब मुझे ये बताइए ये लेंथ नम्स -1 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये जो -1 लगा दिया? क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो हमें उसकी टोटल लेंथ में से एक माइनस करना एक्सीलेंट पड़ा। एक्सीलेंट, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि हम इंडेक्स को यहाँ पे इंडेक्स पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली उसमें -1 कर रहे हैं उसकी पूरी लेंथ में से। सो लेट्स से आपके पास अगर इसकी लेंथ है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर 6 एलिमेंट्स यानी 6 लेंथ है इसकी, तो अगर 6 है आपके पास तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इंडेक्स अगर 0 से शुरू हो रहा है तो आपके पास उसका इंडेक्स कहाँ पे एंड होना चाहिए, यहाँ पे 5 पे, राइट? 0 1 2 3 4 एंड 5, सर ये ठीक माइनस है? वन क्यों ये किया है मैं फॉर करके, लूप हाँ में, समझ नहीं आया। जी सर, मुझे भी समझ नहीं है ये माइनस वन -1 हम मैं क्यों उसी को करते बता रहा हैं। हूँ। देखिए जब आप लेंथ देखते हैं ना, जब आपने इंडेक्स फाइंड करना होता है ना, जब आपने पूरी लिस्ट के इंडेक्सेस पे ट्रेवर्स करना है, यानी इस पूरी लिस्ट के इंडेक्स के ऊपर ट्रेवर्स करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे ना जी कहता जी हूँ यहाँ चले वहीं पे चल, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जी जी आप सर, कर सकते हैं। सर ये लेंथ में ना जो एंडिंग पॉइंट होता है वो तो वैसे ही हमारे पास एक्सक्लूड होता है ना, तो अगर हम -1 नहीं करेंगे तो भी शायद उतना ही चलेगा ये, मतलब ये ऑलरेडी -1 पे ही चलेगा अगर हम -1 नहीं भी लगाते हैं तो, क्योंकि ये एक्सक्लूड हो जाता है ना लास्ट का जो पॉइंट होता है हमारा। एक सेकंड है मैं ना, अच्छा सर बता रहे थे सर, आपने एक्सप्लेन करना, यू कैन डू इट। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्सेस, वो एक्चुअल में इतने आपसे आप बता रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा बता अच्छा ठीक है दूँ। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखें, जब आप करते हैं ना रेंज का फंक्शन यूज, तो रेंज आप करते हैं इस पूरी जो लिस्ट होती है ना उसके इंडेक्स के ऊपर ट्रेवर्स करते हैं। अब इस पूरी लिस्ट का जो इंडेक्स है वो ये है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? अब ये इंडेक्स को आप कोड में कैसे लिख, यानी आप आपके इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, जबकि जो लेंथ होती है, लेंथ होती है हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 2 वन थ्री से फोर यस फाइव सिक्स, तो इसका मतलब इंडेक्स जो है वो लेंथ से कम, यानी 1 माइनस पीछे की तरफ होता है ना। तो ये वजह है आप क्या करते हैं, पूरी लेंथ लेते हैं और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 माइनस, तो आपके पास जो इंडेक्स सर, थी आपके पास जो वॉइस एक इज पूरे है ना ब्रेकिंग वो आपके सर। पास हो जाए। सर क्वेश्चन ये है कि वॉइस रेंज ओके फंक्शन ने सर क्वेश्चन ये है कि रेंज फंक्शन ने 0 से स्टार्ट करना है और जितनी हमने उसे लिमिट दी होगी उससे एक पीछे तक जाना है, तो ऑलरेडी रेंज फंक्शन एक्सक्लूड कर रहा होगा, तो फिर -1 करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा चलिए मैं ना इसको
यहाँ चले एंड पे आप पलट जो है ना उसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट राइट दिस, फिर उसके बाद देखते हैं इसको, ठीक है? लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी कि -1 जो है वो कब यूज होता है। जी जी बताइए सर, हम ये पाइथन में सर। ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी लैंग्वेजेस में देखें तो अगर हम आई के साथ लूप जब चलाते हैं तो सर हम तब तक कैसे लिखेंगे? वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, तो उसका सिंटेक्स आपको आना चाहिए, ठीक है? सर प्लीज अच्छा अलाउ चलें योर अब ये ना वॉइस, कोड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, नाउ यू आर जी योर वॉइस इज क्लियर, तो आपने जो भी समझाया था दोबारा जरा समझा दें, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। वो जो आपने भी पीछे, ओके, बस वो मैं आपका ये जो कहता था माइनस सर, वन का, ये देखिए जी जी वो बता, मैं आपको बता, ये देखें आपके जी पास सर, इसकी लेंथ क्या है पूरे लिस्ट की? पूरी लिस्ट की 6 सर, 6 है। अच्छा लेंथ कहाँ से शुरू होती है? काउंट करना, जब आप लेंथ काउंट करते हैं वो कहाँ से शुरू होती है? एग्जैक्ट सर वन से जो एलिमेंट जो हम, हाँ वन से शुरू होता है। हाँ, आपका आप लेंथ हमेशा जब लेंथ मेयर करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं ना लेंथ मेयर करना, जी जी जबकि जी जो इंडेक्स होता है जिसके ऊपर वो एलिमेंट प्लेस किया जाता है वो हमेशा, मैंने बताया था एरे की क्या प्रॉपर्टी जीरो होती है, वो से, कहाँ से शुरू होता है? जीरो जीरो से से। सर इसका मतलब वो लेंथ इंडेक्स से, होता लेंथ से एक एक स्टेप पीछे है, यानी कम से कम 1 जो है वो पीछे। माइनस हो रहा है उसका। जी जी एग्जैक्टली। सही तो सर। जब आपने रेंज के ऊपर, जब आपने इंडेक्स को ट्रेवर्स करना है ना, इस इंडेक्स पे ट्रेवर्स करना है फॉर लूप अच्छा के अंदर, ओके, तो आप क्या करते हैं, आप लेंथ के अंदर से, पूरी लेंथ के अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? एंड देन यू गेट दिस रजिस्टर, सर यू ओके? मीन कि हम इंडेक्स के थ्रू, अगर हम, आप इंडेक्स पे नहीं, सॉरी मैं अपने लिहाज से समझूं, तो इंडेक्स के थ्रू अगर हम पूरे ट्रेवर्स करेंगे पूरी एरे पे, तो देन -1 यानी कि हम वो कर देंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक नंबर पीछे से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सेस। हाँ, लेकिन ये भी ना अभी देखिएगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जी सर हामुद, आपका हैंड रेज है। ओके थैंक यू सर, गॉट इट। हेलो, जी आवाज आ रही जी आ रही। है सर? अगर हम इसमें -1 ना लगाए ना, और लेंथ ये अरे का जितना साइज है, मतलब हमने उस मतलब लेंथ में दे दिया ना, तो ये फुल अरे को मतलब प्रिंट नहीं करेगा, मतलब उस पे लूप नहीं चलाएगा फुल अरे को, अगर अच्छा आप कह रहे हैं हम यहाँ पे -1 -1 बता नहीं दें। लगाना चाहिए? नहीं सर मैं क्या आप कह कर रहे रहा हैं हूँ, अगर मतलब -1, एहतियात अगर हम अगर मतलब ये माइनस ना लगाए ना। हाँ अगर ये हाँ नहीं लगाते तो आप कह रहे हैं कि वो जो है वो आंसर सारे प्रिंट नहीं करेगा, सही? आप ये पूछ रहे हैं, यानी नहीं जो सर हमें मैं कह रहा हूँ कि रिक्वायर्ड जब प्रॉपर आंसर करेगा ना, मतलब अरे का तो लेंथ हमने मतलब उसको दे दिया ना, कि ये सारा मतलब अरे है। प्रिंट करो, मतलब लूप में चलाओ इसको। हाँ, इसको हम ना इसको एंड पे चेक कर लेते हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट राइट द जी कोड, जी फिर उसके बाद ना हम एंड पे इस टेस्ट को भी चेक करते हैं कि क्या -1 हटाने से क्या हमारा जो कोड है वो वर्क करता है, सर, अगर -1 ना ठीक है लगाए जी? तो जे आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ये अभी देखिएगा, मैं इसलिए नहीं अभी बोल रहा कि हम एक दफ़ा इसको रन करेंगे ना, तो काफ़ी सारी आपको समझ आ जाएगी कि हो क्यों रहा है ऐसा, यानी कब ये अच्छा कब सही होता है और कब गलत होता है, आपको टेस्ट करके समझ आती है ना कोड हमेशा, ठीक है? एक्सक्यूज मी अच्छा सर, अब सर हाँ देखिए टेस्ट मैंने यहाँ कर पे क्या देंगे तो सही किया। रहेगा जी जी सर। कोई हम इसको लाइन बाय लाइन इसके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं? यस, हमारे पास पाइथन ट्यूटर एक वेबसाइट है, हम उस पे जाके इसको कर लेंगे, ठीक है? और ज्यादा इजी हो जाएगा आप प्लीज समझना, ठीक है, थैंक फाइन? अच्छा अच्छा यू। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो जे का आपके पास लूप लग रहा है फॉर जे इन रेंज, मैंने यहाँ पे क्या किया, i+1 कर दिया, ठीक है? उसकी क्या वजह है कि जे हमेशा i से ग्रेटर रहेगा, i जब भी वो ट्रेवर्स करेगा, जब भी वो लूप में वापस चलता रहेगा, वो हमेशा i से एक स्टेप आगे रहेगा, ठीक है? और अब देखिए मैं इसमें लिखूंगा हमें क्या रिक्वायर्ड था, आपके पास कंडीशन है नम्स i, तो मैं कहूंगा इफ नम्स i इक्वल्स नम्स लेट्स से जे। अच्छा अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट में एक ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये +=1 जो होता है ना, इसको आप इस तरह भी लिखते हैं बेसिकली, ये होता है इसका मतलब, ये काउंट +1। जो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये कि जो काउंट +1 है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पाइथन के अंदर +=1 और मल्टीपल दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है?
तो इसका मतलब होता है कि काउंट जो है, हाँ प्लस प्लस होता है उसमें, सी लैंग्वेज में होता है ना, तो इसमें क्या होता है प्लस इक्वल्स वन होता है। देखिए थोड़ा सिंटेक्स डिफर करता है लेकिन एक्चुअली लॉजिक हुआ है, जो आपको लॉजिक समझ आना सबसे जरूरी है। ओके अच्छा सर, अब्दुल कदीर आपका हैंड रेज है, डू यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर, एज अ बिगिनर मैं पहले ऐसे ही काउंट कर आई मीन काउंट का कोड लिखती थी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, बट थैंक यू आपने ये शॉर्ट ये बता दिया, थैंक यू। ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए मैंने जो कोड लिखा है ना, मैंने किया क्या, अगर तो ये दोनों आपने आपने वो आइट्रेट किया, यानी आई जो है वो ट्रिवर्स हो रहा है, फिर जे ट्रिवर्स हो रहा है, और जे हमेशा उसकी जो रेंज है वो आई प्लस वन से शुरू हो रही है और बाकी जो बाकी की लेंथ है उसके पास उस तक जा रही है, ठीक। और उसमें मैंने क्या किया, दोनों में अगर कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, अगर नम्स आए यानी ये वाला जो आई आपको मिल रहा है और नम्स दे एलिमेंट यहाँ पे है, अगर वो इक्वल है तो आप क्या करते हैं, काउंट में एक ऐड कर देंगे। इनिशियली आपका काउंट क्या था, जीरो, और अब क्या आपका काउंट, वन, ठीक है। जब आप इसमें अगर आपको कोई भी मिलता है उसमें गुड पेयर मिलता है तो आपका काउंट क्या हो जाएगा, वन, अगर ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन। तो आपने गुड पेयर फाइंड किया, आपने काउंट का काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर जब ये सब कुछ जितने जो आपको गुड पेयर्स हैं जब ये ट्रिवर्स हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप काउंट को रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, हमें काउंट ही रिक्वायर्ड था एक एज योर आंसर, ठीक है। आपने वो गुड पेयर्स को रिटर्न नहीं करना, इनको रिटर्न नहीं करना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो जिस तरह का आउटपुट है आपने उसी तरह का आउटपुट जो है ना उस तरह का कोड करना। चलिए अब सर इसको रन एक्सक्यूज करके मी, देखते हैं। जी जी सर वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग इन माय माइंड कि ये काउंट इज इक्वल टू जीरो भी है, और सर कुछ आई मीन इन हम कुछ कंडीशंस में काउंट के साथ एक इज इक्वल टू के साथ हम जीरो के बजाय हम एरे ब्रैकेट भी लगाते हैं, तो वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस, क्यों ऐसा है कि हम कुछ देखिए, कंडीशंस में। मैं आपको जी बताता हूँ, देखिए होता ये कि आपने ना क्वेश्चन को पढ़ना होता है बड़ा ध्यान से। यहाँ पर आपके पास था, उन्होंने आपसे कहा जी आउटपुट में किस तरह का आउटपुट है, एक नंबर है राइट, फोर, फोर एक नंबर है जी। और ये फोर कैसे आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि कोड लिखने से पहले आपने लॉजिक बिल्ड कर दिया होता है। जब आप ठीक लॉजिक है बिल्ड जी, करते हैं तब आपको आइडिया होता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट केवल रिक्वायर्ड, ऐसी लॉजिक लिखनी है, ऐसा एल्गोरिथम हमने सोचना है कि हमारे पास जो नम्स के ऊपर हम उसको चलाएं लॉजिक को, और हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम आए जो हमारे पास एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे फोर है, आपके पास फोर है, तो व्हाट व्हाट इज फोर ओवर क्या, उन्होंने कहा फोर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने क्या कहा, रिटर्न द नंबर ऑफ गुड, यानी आपने जी गुड नहीं रिटर्न करते, आपको नंबर रिटर्न करना है, हमें नहीं। ओके सर, तो हमने क्या, हमने एक काउंट को वेरिएबल लिया, मैं उसको जीरो से इनिशियलाइज किया, ओके। अच्छा अब ना मैं कोशिश करता हूँ इस कोड को ना, पहले इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर ये भी देती देख हूँ। लेते हैं। जी, करें मैम पूछ रही हैं कि हमने काउंट को एक ब्रैकेट के अंदर जीरो क्यों नहीं लिखा। मैम हम ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर स्टोर करने होते हैं, यहाँ पे तो हमें सिर्फ आउटपुट में एक ही नंबर चाहिए था, तो उसके लिए हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सर ने एक वेरिएबल के अंदर ही वो एक वैल्यू डाल दी। ब्रैकेट तब लगानी होती है जब बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आई एलिमेंट गॉट आए। यू पॉइंट। आफ्टर सर आई जस्ट आई वाज गोइंग टू ऐड दिस थिंग सेम व्हाट यू आर सेइंग मिस, कि मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे कि कंफर्मेशन के लिए सर को कि सर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ब्रैकेट इस सूरत में हम लगाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा जो है एलिमेंट्स वन बाय वन उन्हें अपेंड करा रहे होते हैं, तो मे बी एरे के लिए यूज होता है वो, जबकि वन नंबर जो है उसके देखिए लिए एरे मैम, ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। मैं ना आपको इसलिए बता रहा था, ये देखें जो आउटपुट जिस टाइप की होती है ना, अगर तो आउटपुट उन्होंने यहाँ पे एरेज आपसे लिए होते, यानी आपसे कहा जाता है एक एरे के अंदर इसको रिटर्न करो जो नंबर ऑफ पेयर है, फिर आप क्या करते, उस सर सूरत में एक एम्प्टी एरे जो है, एक एम्प्टी एरे इस तरह की बन जाती है आपके पास, जी सर गॉट यू पॉइंट, यस सर जी ठीक है। तो आपने जी देखना सर, ये है कि हमें आउटपुट चाहिए किस तरह से यहाँ पे, किस तरह से चाहिए दैट इज सही वेरी सर इंपॉर्टेंट।
ठीक है। सर। अच्छा तो ये एक टेस्ट जो एक कंफ्यूजन थी हमारी, जो मैम कह रही थी यहाँ पर, लेकिन जस्ट वी कॉल इट कि अगर -1 यहाँ से हटाएं भी तब भी ये सही रन करता है, एंड वी कैन सी ये सही रन कर रहे हैं यहाँ पर। इसको सबमिट करवा के भी देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा कि क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। यस यस ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ये बड़ा एफिशिएंट कोड है जो इसका रन टाइम 95.23 को बीट करता है। ठीक है लेट्स सी ओवर हियर। अच्छा अब हर कोड का ना, इफ़ यू गाइस वांट, मैं इसको समझाने के लिए मज़ीद, अगर आपको अभी भी कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है पाइथन ट्यूटर, यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, आप अपने कोड को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है इसमें से जस्ट सेल्फ रिमूव कर दें, नम्स के आगे उसकी जो टाइप है लिस्ट है उसको रिमूव कर दें, एंड जस्ट मेक इट लाइक दिस। ऐसे हो गया। और फिर एंड पे आपने क्या करना है, आपने जो कॉल करना है जो फंक्शन आपके पास आइडेंटिकल पेयर्स, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जो आपके पास प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जाएं, कोई भी एक जो है डेटा सेट, यानी ये जो आपके पास एग्जांपल है इसको उठा लें नम्स, और उसमें जाके पेस्ट कर दें यहाँ पे। ओके क्योंकि आपके पास नम्स थे तो हमने एक नम्स की एग्जांपल उठाई उस वहाँ से और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे कि ये जो है ना पाइथन ट्यूटर, जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं ना एग्जीक्यूशन को, तो ये हमें लाइन बाय लाइन बताएगा कि ये कोड वर्क कैसे करता है। ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। हाँ हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ना आपको विजुअलाइजेशन आ रही होगी कोड की, कोड रन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, आपने एक लिस्ट उठाई जो आपने पास की इसके अंदर, तो वो लिस्ट एज इट इज आ गई विच इज कॉल्ड नम्स। राइट अब देखिएगा क्या होता है, काउंट का वेरिएबल था इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है आप देखें, फॉर आई इन रेंज लेंथ नम्स, आई की इस टाइम करंट वैल्यू क्या आपके पास आ गई जो इंडेक्स है दैट इज 0। फॉर जे इन रेंज i+1, यानी i+1 से लेके लेंथ नम्स, यानी बाकी की लेंथ जो होगी उसके आगे। ठीक है इस रेंज का ये मतलब है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक बाकी की लेंथ कहाँ तक जा रही है। ठीक है तो वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा बाकी, तो वो क्या करेगा, i+1 क्या आपके पास 1 होगा, और बाकी की लेंथ जो है वो, तो उसको वो रेंज देख लेगा कितनी रेंज है, तो जे की रेंज आपके पास इस टाइम क्या है 1। राइट क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0+1, आई की क्या थी आपके पास वैल्यू इस टाइम जो इंडेक्स था 0, तो उस इंडेक्स में एक ऐड कर दिया क्योंकि हमें बताया गया कि जे जो है वो आई से ग्रेटर रहेगा। ओके अब हमने देखा यहाँ पे देखें, इफ नम्स आई इक्वल्स नम्स जे, क्या नम्स आई हमारे पास 0 और 1 इक्वल है, 1 एंड 2 यू सी द एलिमेंट्स 1 एंड 2, क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है, नहीं, तो क्या होगा यहाँ से कोड जो है वापस चला जाएगा। ठीक है फिर वो देखेगा दोबारा से। अच्छा ये भी देखें, जब तक जे पूरा ट्रिवर्स नहीं ना होता, ये जस्ट फॉर बिगिनर्स, जब तक ये लूप पूरे का पूरा ट्रिवर्स नहीं ना हो जाता तब तक वो इस लूप पे नहीं आएगा, बाहर वाले लूप पे। ठीक है तब तक आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जे की चेंज होती रहेगी, वो इसमें पूरे का पूरा जो रेंज है वो जब तक कवर नहीं कर लेता तब तक वो बाहर वाले लूप में नहीं आएगा। अच्छा अब जे की वैल्यू देखें क्या होती है 2, ये जो इंडेक्स, ये जो प्लस से लिखे हुए ना यहाँ पे डिजिट्स, ये आपके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस टाइम जो जे की वैल्यू वो क्या आपके पास 2, और 2 पे आपके पास क्या है जो एलिमेंट है दैट इज 3, और आई के ऊपर इस टाइम क्या था, आई 0 था उस पे एलिमेंट क्या है 1, तो क्या ये दोनों अभी आइडेंटिकल हैं, अभी देखते हैं। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, दोबारा से वो बाहर इस लूप पे आ जाएगा जे के ऊपर, सी दोबारा से वापस आ गया फॉल्स था। अब दोबारा से एक इंक्रीमेंट हुआ 3, 3 के ऊपर क्या है 1, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप देखें क्या नम्स आए और नम्स ए की वैल्यू सेम है या एलिमेंट सेम है। यस
1-1 है ना, तो अब बनेगा हम क्या करें, जब आपको एक पेयर मिल गया तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, काउंट में एक ऐड करते हैं। देखिए काउंट में एक ऐड हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, किसी का ये सबको क्लियर है, ये बेसिकली कैसे चल रहे कोड यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। यस सर थैंक यू, इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा अब दोबारा से देखें इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। आप जी आपके पास 4 है, जैसे मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तक ये आपके पास जो लूप है ये पूरा पूरे का पूरा ट्रिवर्स नहीं करेगा, तब तक ये लूप जो है एंड नहीं होगा। इस लूप से वो बाहर इसको चेक ही नहीं करेगा। आप देखिए तब से हम जे को चेक कर रहे हैं, अभी तक हमने आई दोबारा ट्रिवर्स नहीं किया। आई की वैल्यू क्या है, 0 ही है वहाँ पर। जी जी सर हामुद, अरे अकाउंट वेरिएबल हमने क्यों दिया, अकाउंट जी अच्छा वेरिएबल हमने क्यों दिया है सर, क्यों डिक्लेयर किया जीरो। मैंने मैंने बताया क्वेश्चन के अंदर ना, आप देखें कि उन्होंने आपसे पूछा आप, हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ गुड पेयर्स को बताना है कि कितने, हमने वो रिटर्न करना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सब जो फर्स्ट लाइन है ना, वो पढ़े आपको समझ आ जाएगी। तो हमने काउंट जो है एक वेरिएबल बना लिया। काउंट इज लाइक वो एक सेल्फ डिफाइंड है, आपको पता है काउंट का मतलब है कुछ काउंट करना, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनते जा रहे हैं, हम उसमें एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जैसे ही हमें एक गुड पेयर मिलता है, हम काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे लिस्ट में, अच्छा राइट। और फिर जैसे ही वो दोबारा से मिलता है, फिर वो एक और इंक्रीमेंट कर देता है। तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एंड पे देखिएगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है, जो नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं, वो क्या है आपके पास। तो काउंट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर नंबर ऑफ गुड पेयर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको मजीद समझना है उसको आसानी करनी, सर, आपने ठीक नंबर है। लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 -1 में लिखा। हाँ ये वो हम देख रहे थे ना कि -1 जो है यहाँ इस जगह पे, वो मैं बता रही थी कि यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी रेंज की बात कर रहे हैं, तो वो रेंज डिफाइन कर देता है कि आपके पास जो पूरी लेंथ है ना उसके ऊपर वो ट्रेवर्स कर रहा है, यानी जो लिस्ट की लेंथ होगी, राइट। तो तो सर हमें हम ये मुझे भी क्वेश्चन आगे, थी एट अगर यहाँ पे। सॉरी सर सॉरी सर हमें भी अगर आगे इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो यस ऑब्वियसली हमें भी -1 लिखने की जरूरत नहीं है राइट, क्योंकि कोड तो रन कर रहा है और वो भी एफिशिएंट वे में। आई मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई नहीं थिंक देखिए आई पता है मीन क्या, इसकी कम। देखिए जी इस सर सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन में ये रन कर रहा है, और अगर हम कुछ और देखेंगे किसी की जगह पे, तो शायद वो रन नहीं कर रहा होगा वहाँ पे। सो अगेन वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओके क्वेश्चन, अच्छा, ठीक है टाइप ये ऑफ भी जो, क्वेश्चन ये वो होता है सर, डिपेंडेंट होता। हाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आप सोचते हैं, जब आप सोल्यूशन को सोचते हैं ना, तो जी उसमें फिर आप देख लेते हैं कि कहाँ पे कोई खास गेम मेक इट राइट, ठीक है। सर वन मोर थिंग सर, ये आपने जो वेबसाइट बताई है सर, इट मींस कि ये जो पाइथन की एक और वेबसाइट है प्रोग्रामर्स, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है ये कि ये जस्ट सिंगल लाइन को भी ये काउंट करके हमें बताती है, आई मीन चेक करके बताती है कि इज इट ट्रू और नॉट। देखिए ये अच्छी, एक अच्छी जो है ना वेबसाइट इसलिए है कि ये ना आपको पूरे का पूरा रोड जो कोड है ना आपका, उसको ये विजुअलाइज करके दिखा देता है। यानी वो आपको एक एक लाइन बाय लाइन वो बताता है कि आपने, आपके पास कितने वेरिएबल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रिवर्स कितना कर लिए लिस्ट के ऊपर, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि आप यानी किस लाइन पे हैं, लेकिन ना आपको पता चल रहा है इस टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट होने लगी है, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ना तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दैट इज काउंट प्लस 1, क्योंकि उसको दोबारा से एक और क्या हुआ है, जब जे 4 पे है और 0 पे आई है, तो 1 एंड 1 एक और मिल गया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और गुड पेयर हमारे पास हमें मिल गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें गुड पेयर रिटर्न नहीं करना, हमें गुड पेयर का काउंट रिटर्न करना है, कितने गुड पेयर हमारे पास स्टोर हो चुके हैं। तो पिछला एक ऑलरेडी स्टोर था हमारे पास जब काउंट 1 था, तो अब मैं जब दोबारा नेक्स्ट करूंगा इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। जब दोबारा आप देखेंगे ये अभी 5 पे चला गया, 1 और 3 अगर आप कंपेयर करें दे आर नॉट सिमिलर, तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखें, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जब वो एंड हो गए ना, यहाँ पे उसने देखा कि अब रेंज हमारी कंप्लीट हो गई है, अब वो पीछे आ गए, अब वो इस लूप से बाहर निकल के जो आउटर लूप है उसको चेक करने लग गए, और उसमें वो देख रहा है, अब वो दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा आई को। तो आई 0 था, अब वो 1 पे हो गया, यानी आई पहले यहाँ पे था, अब आई कहाँ पे हो गया, 1 पे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ पर इसको कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, राइट।
तो उसका यही एडवांटेज है कि आपको समझ आ जाती है कि इस टाइम आई जो है वो किस तरह इंक्रीमेंट ट्रिवर्स कैसे हो रहा है, जे कैसे ट्रिवर्स हो रहा है, ठीक है, और साथ लाइन बाय लाइन आपको समझ आ जाती है कोड का जो है वो कैसे एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है कोड। ओके तो आप देखिए अब इसको चलाते जाएंगे तो ये चलता जाएगा और एंड पे जो हमारे पास जो उसका, अब देखें ये भी एक चीज़ है, आई जो 1 है और फिर दोबारा से वो जे को चेक करता जा रहा है, जब तक ये दोबारा से एंड नहीं होगा, दोबारा से रेंज कंप्लीट नहीं होगी, वो क्या करेगा, वो इसको चेक करता जाएगा और काउंट कोई नहीं मिला तो बाहर आ। सॉरी सर, आपने अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरा नेट कट हो गया था, तो आप उसका आंसर दे देंगे? ये प्रोग्रामर्स और इसमें एफिशिएंट यही है, ये वेबसाइट ज़्यादा सही। देखिए मैंने बताया कि आपके ऊपर है आपको कौन सी अच्छी लगती है, ये वाली वेबसाइट इसीलिए जी अच्छी है कि यहाँ पर आपको विजुलाइज मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका कोड जो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, तो ओके विजुअल ओके सर, समझना कंपेयर टू अगर आप सिर्फ तो लाइन बाय लाइन। जी सर हाँ तो ओके सबका है सर, ये आई जो लूप है ना हमने लगाया है, तो ये मतलब लास्ट, ये जो थ्री इंडेक्स थ्री एलिमेंट है ना, थ्री एलिमेंट लास्ट पर जो फाइव इंडेक्स पे है, तो ये मतलब आखिर तक चलेगा अच्छा ये आई आई जो लूप हमने लगाया है। सर आई मतलब स्टेम लूप जीरो है ना यहाँ इंडेक्स, पे, हाँ हाँ वो चेक करेगा ना सर, वो तो सही है, लेकिन लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल एंड तक जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे ना लेट से अगर हम इसको चेक करते जाते हैं, देखिए आई कहाँ तक जाता है आपके पास, उसकी वजह क्या है, उसने पूरी रेंज चेक कर दी, ठीक है, सर तो लास्ट इंडेक्स पे जब जाएगा ना, फाइव वन फिफ्थ वन पे, तो हाँ जब बिल्कुल थ्री पर अभी जाएगा देखिए। ना सर बिल्कुल लास्ट पे, तो वहां तो जे नहीं होगा ना, तो अब फिर हाँ जे नहीं होगा क्लियर तो होगा। ये पहले ही एग्जिट कर देगा, उसको पता है जे जो है वो ऑलरेडी 1 यानी उसमें एक ऐड है जो आई से ऊपर है, तो ऑलरेडी देखिएगा एंड पे क्या होता है यहाँ पे आगे और वो बाहर आ गए, उसकी वजह क्या है कि वो ऑलरेडी जो है रेंज एक तो आपके पास खत्म हो गई, आप दोनों एंड पे आ गए, ठीक है, दूसरा आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, जो जे की रेंज थी वो हमेशा आई प्लस 1 से शुरू हो रही थी, तो उसने उसको चेक ही नहीं किया आगे मजीद, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो अब रिटर्न देखिए काउंट आपके पास कितना आ रहा है 4, तो आप जब नेक्स्ट करेंगे आपके पास रिटर्न वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4। ओके तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, क्या ये वाला, ये सॉल्व हो रहा सर है, इसकी राइट, सो टाइम आई होप आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है। और स्पेस हाँ अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हाँ इसमें इसको मैं इसलिए आज नहीं डिस्कस कर रहा, एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा ये कि देर मैनी बिगिनर्स यहाँ पे जो अभी तक उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है और स्पेस का क्या मतलब है, जस्ट फॉर द अदर फॉर पीपल जो ऑलरेडी जानते हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए दैट शुड बी ओ एन स्क्वेयर, बिग ओ एन स्क्वेयर इन वर्स्ट केस, उसकी ये वजह नेस्टेड लूप चल रहा है ना, अब हर एक आईथ इंडेक्स के लिए एलिमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बाकी के जितने भी हैं ना आपके पास एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर उसको ट्रिवर्स कर रहे हैं, उसको चेक करते जा रहे हैं, और ये अब हर एक हर बार करते जा रहे हैं, सी हमारा जो कोड था वो काफी लेंथी था यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया था, ये देखें तो कितनी दफा उसने कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, देखें जब तक कि आईस जो वो एंड पे नहीं आ गया बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी एक और अप्रोच हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैंने इसको जीपीटी करके देखा था, तो उस इस अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इवन दो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है उसे, ठीक है, आप इसमें और भी हो सकते हैं, आप इसको ना इसको देखिएगा, आई थिंक एक और अप्रोच है मेरे पास लेकिन वो टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई मुझे बताएगा स्पेस क्या होगी यहाँ पे। अच्छा फॉर दोज जो बिल्कुल नहीं है उनको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो डिस्कशन है यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है, ये जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है राइट, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बिगो फैन, वो क्यों होगी, बिग ऑफ एन क्यों होगी इसकी, क्योंकि एक वेरिएबल इसमें लगाया उसकी वो कांस्टेंट होगी और उसके बाद ये लूप्स लगी हुई हैं बीच में, तो उसके हिसाब से बिगो ऑफ एन बन रही है आई थिंक। अच्छा हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर होती है ऑप्शन ना, हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, ये देखिए रन टाइम है तो आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी देखते हैं एआई जो है वो हमें क्या बताता है, देखें बिग ऑफ एन स्क्वायर राइट जैसे हम बता रहे थे, अच्छा इसकी स्पेस चेक कर लेते हैं, स्पेस अगर ये इजाजत देता है हमें, अच्छा ये कॉन्स्टेंट है
दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम इसको आप लोग मतलब चेक कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर GPT, इसको पूरे कोड को वहाँ पे कॉपी करें, उसको बताएं जी हमें डिटेल बताएं कि ये कॉन्स्टेंट क्यों है इसकी स्पेस। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है अगर हम इसको डिस्कस करने लगे अब। ओके, सो थैंक यू आई सो होप मच सर, थैंक यू। ये आपको आइडिया ओके होगा कि लीट कोड पे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इवन दो कि अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप ऑलरेडी कोई डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, गेम में हैं, ठीक है, AI में है, कहीं पे भी हैं, आपने ये देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस ये जो होते हैं ना, ये आपकी टेक्निकलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करते हैं। अभी ये बिल्कुल देखें, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना इसका, इस क्वेश्चन का, ये इजी है यहाँ पे।